उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के भोगांव थाना क्षेत्र के जमौरा गांव से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक नवविवाहिता गर्भवती की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। आपको ये बता दें, दहेज की मांग ना पूरी होने के चलते ये हत्या हुई है। ससुराल पक्ष के लोग वारदात को अंजाम देने के बाद शव को घर में छोड़कर फरार हो गए। मृतका के पेट में करीब 5 महीने का गर्भ था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पूरे मामले के अनुसार 2015 में आज से करीब 3 साल पहले जनपद एटा के थाना नया गांव के ग्राम फकीरपुर निवासी जयपाल ने अपनी लाडली बेटी पूनम की शादी जनपद मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र के ग्राम जमौरा निवासी राज बहादुर के पुत्र विभिन के साथ बड़ी धूमधाम से की थी। वधु पक्ष के लोगों ने शादी में अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी बेटी को दान दहेज भी दिया था, लेकिन शादी के कुछ समय तो सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद ससुराली जन पूनम से करीब 1.5 लाख रुपए के अतिरिक्त दहेज की मांग करने के चलते उसको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। उसने ये पूरी बात अपने परिवारजनों को बताई तो पूनम के पिता ने उसके ससुराली जनों को अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी करने का वादा किया और कुछ समय मांगा, लेकिन बावजूद इसके पूनम के ससुराली जनों ने उसका उत्पीड़न करना बंद नहीं किया। जब इस बात की जानकारी पूनम के मायके वालों को हुई तो उन्होंने जैसे तैसे करीब 50,000 रुपये इकट्ठा किया और आज से करीब 2 दिन पहले उसके भाई के द्वारा उसके ससुराल पहुंचा दिया। लेकिन दहेज लोभियों को तो एक साथ पूरी रकम चाहिए थी। इधर पूनम का भाई पैसे देकर उसके ससुराल से वापस अपने घर आया और उधर उसके ससुराली जनों ने पूनम की पीट पीट कर हत्या कर दी और शव को घर में छोड़कर मौके से फरार हो गए। साथ ही आपको बता दें कि मृतक पूनम के पेट में करीब 5 महीने का गर्भ भी था। पूनम के साथ साथ उसके पेट में पल रहे नवजात की भी हत्या पूनम के दहेज लोभी ससुराली जनों ने कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृत पूनम के शव का पंचनामा भरकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। वहीं पूनम के पिता ने पूनम के पति विपिन सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या की तहरीर थाने में दी है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया ये पूरा मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन परिवारी जन इसको पीट पीट कर हत्या करने की बात कर रहे हैं। पूरे मामले की तफ्तीश से जांच की जा रही है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भाजी बताओ, पूरी बात बताओ, कैसे लड़की की हत्या कर दी? ऐसे कद्दई साहब जे हमसे 1.5 लाख रुपया मांगे, 1.5 लाख रुपया मांगते हैं, हमने कल 50,000 रुपये हमारा लड़का खुद दे कर गया और फिर इनने रात में पता ना कि मार कर हत्या कर दी, पीट पीट के हत्या कर दी। हाँ, पीट पीट। शादी आपने कितने साल पहले की थी? 3 साल हो गई। 3 साल पहले? हाँ। क्या लगातार पैसे मांग रहे थे? लगातार फोन करते रहे। अच्छा, माता जी बेटी की हत्या कर दी ससुराल वालों ने? ससुराल वाले ने कल बिटिया ने मेरी हंस के फोन करो, मैंने रुपया पठाए, रुपया बाकी पूरे ना भाई, बिटिया ने जाके ही दुकरिया मतलब लड़ाई करते अम्मा तो हमने करते ही हो तो दे दिया है दुकरिया लड़ाई। कितने रुपये मांग रहे थे? 1 लाख रुपया क्या मांगे रहे हो तो? अच्छा, हाँ तो मैंने फिर दे दी, दया हो जाए तो ले रुपये ले ला, दया वो ले ला, हमारो दैया हो रुपया 50,000 रुपया ले ला दैया हो। अच्छा, कल ले ला गो लौट के ठीक छोड़ी हो। शादी कब की थी आपने? शादी कितने साल पहले की थी? 4 साल पहले। 3 साल। क्या कैसे ये घटना हुई है किस बताइए? इसका मर्डर किया गया। हाँ, मर्डर करने के बाद छोड़ के सब भाग गए ससुराल वाले। दहेज का मामला है, 1.5 लाख रुपए मांग रहे थे। हाँ। कल लड़का देके गया 50,000 रुपए। हाँ। और इसके लड़की के जो पेट में 5 महीने का बच्चा है। अच्छा, तो कब कब शादी, कितने साल पहले? 3 वर्ष। 3 साल पहले। तो ये क्या ससुराल वाले लगातार दहेज की? हाँ, लगातार शुरू से ही। FIR दर्ज करा दिए? FIR दर्ज करा दिए, जेठ, देवर और पति के नाम। दहेज के पीछे मतलब जे एक मोटरसाइकिल 50,000 रुपये मांग रहे थे। कौन मांग रहा था? राज बहादुर सिंह। राज बहादुर सिंह 50,000 रुपये मांग रहे थे। हाँ, लड़का मांग रहे थे। कल उसके बाद कल मैं 20,000 रुपये दे के यहाँ से गए और मैंने बोल दिया कि मेरे पास बस इतने ही हैं। उसके पीछे मतलब मैंने मेरी बहन की मार मार कर हत्या कर दी
और मुझे पड़ोस की गांव की लड़की थी जिस जमौरा में, उसने अपने घर छोड़ दिया तब हमें बताने के, और मतलब जिनका नाम जमौरा मतलब आपको कब पता चला? हमें जब पता चला 12:30 बजे। सर भोगांव थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जमेरा, उसमें सर दहेज हत्या का मामला प्रकाश में है सर, क्या पूरा मामला है, इस पर पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई अभी तक की गई? हाँ, ये घटना प्रकाश में आई थी, गांव जमोरा की घटना है, पीएस भोगांव में आई है। मृतका है, उसका नाम पूनम है, वाइफ ऑफ विपिन राजपूत से है, जिसकी करीब 22 साल के आसपास थी। मैं मौके पर गया था तो मैं देखा था, शादी उसकी 2015 में हुई है। प्रथम दृष्टया हैंगिंग से डेथ लग रही है, परिवार वालों का कहना है कि ये पीट पीट के हत्या की गई है, उसमें चोट के हल्के फुल्के निशान आए हैं। पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। सीआईबी इंडिया न्यूज़ के लिए गुलजार अहमद की रिपोर्ट।